केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लिए थे, अब बात कर रहे हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सुनो, तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या था? जब रिएक्टेंट साइड में कोई आयंस होगा, अब प्रोडक्ट साइड में भी अगर आयंस है और रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जा रहा है, तो वैसे स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? आयनिक इक्विलिब्रियम में है। अब ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में आयंस हो, या तो रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, कंबाइंड करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, या कोई भी मॉलिक्यूल भी ब्रेक होकर क्या बना सकता है? आयंस बना के फॉरवर्ड और बैकवर्ड के स्पीड को बराबर कर सकता है, तब उसको भी इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों साइड आयंस हो, किसी एक साइड भी अगर आयंस है और वहां पे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर अगर हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते थे वहां पे। आज हम बात करेंगे कि आयंस होता कहाँ पे है, इसके लिए हम बात करेंगे। पिछले क्लास में शायद इतना तक रोके थे हम, है ना? आयंस मिलता कहाँ पे हमको, इसके बारे में आज हमको बात करना है। क्या जितना सारा मॉलिक्यूल होगा सब ब्रेक होकर आयंस बना सकता है, या जितना सारा आयंस होगा वो ब्रेक होकर आयंस बना सकता है, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे हम, ठीक है? तो चलो, तो आयंस के बारे में जो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था वो माइकल फैराडे थे, एक साइंटिस्ट थे वो, जो फिजिक्स से बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, आयंस के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बोला था, सुनो, तो यहाँ पे उसी के आगे लिखना स्टार्ट करना, पहले देख लो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे चार्जेस आर प्रेजेंट, चार्ज मतलब यहाँ पे आयन से रिलेटेड है, आए पीछे वाला सब बिल्कुल शांत रहो अभी। आयन्स आर प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जब एसिड को सुनो, अब आयंस तुमको कहां पे मिलेगा? तो माइकल फैराडे ने क्या बोला कि जो आयंस होता है वो मिलता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में। एक्वस मतलब क्या होता है? पानी। जब वाटर के अंदर में हम लोग सॉल्ट को डाल देंगे या एसिड को डाल देंगे, आए लड़के आए, क्या बात कर रहे हैं? वाटर के अंदर में जब सॉल्ट को डाल देंगे या बेस को डाल देंगे या एसिड को डाल देंगे, तो उसके अंदर में हमको आयंस मिलता है। जैसे अगर बात किया जाए, सुनो तो यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये NaCl है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, इसमें क्या करेंगे हम? NaCl को डाल देते, क्या डाल देते इसमें हम? NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक भी बोलते हैं, ठीक है? नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। जैसे इसको पानी में डाल देंगे तो यहाँ पे जो ये NaCl होता है ना, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है देखो, यहाँ बता रहे हैं हम, Na+ Cl- Na+ और Cl-। सुनो देखो, ये इसमें पानी में जैसे ही मैंने NaCl को डाल दिया तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बना, क्या बना? यहाँ पे एक सोल्यूशन बना, NaCl वाटर का सोल्यूशन। और इसके अंदर में तुमको क्या मिलेगा? पानी तो है, पानी के साथ क्या मिलेगा तुमको? Na+ और Cl- का आयंस मिलेगा। कोई भी मेरे पास सॉल्ट हो, पानी में डाल देंगे तो वहां पे क्या मिलेगा हमको? आयंस मिलेगा। या तो बेस हो, बेस किसको बोलते हैं? तुम लोग पढ़ा होगा अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। तो एसिड वो होता है जिसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो H+ आयन देता है। मतलब अगर पानी में एसिड को डाल देंगे तो हमको आयंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ तो? क्योंकि एसिड का डेफिनेशन ही होता है पानी में डालने पर H+ आयन फर्निश करता है। तो हमको पता है दोनों का जो सोल्यूशन होगा उसमें क्या पड़ा हुआ होगा? आयंस होगा, ठीक है?
बेस किसको बोलते हैं? तो ऐसा सबस्टान जिसको वाटर में डालते हैं तो वो क्या देता है, OH माइनस फर्निश करता है। तो हमको पहले ही डेफिनेशन बोल रहा है OH माइनस देगा, तो मतलब बताओ सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ होगा, आयन। ठीक है, सॉल्ट कोई भी सॉल्ट अगर मेरे पास है उसको पानी में डालेंगे, जैसे NaCl को डाला था यहाँ पे क्या मिलेगा, केटायन और एनायन। तो बोल सकते, कोई बोलेगा चार्ज होता कहाँ पे, आयन होता कहाँ पे, तो बोलना क्या एक्वस सॉल्यूशन में होता है। एक्वस मतलब होता है वाटर, वाटर के अंदर में कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट को डालते हैं तो वहां पे क्या मिलता है, आयंस मिलता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो आयंस है, अब इसको एक और नाम दिया गया, जितना सारा ये सॉल्यूशन मिल रहा है ना एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, जो क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सुनो, एसिड वाटर, बेस वाटर, सॉल्ट वाटर को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, आयंस होता है। ये जो सॉल्यूशन था ना, इस सॉल्यूशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जैसे तुम लोग अगर पानी रख, मान लो कंटेनर में पानी भरा हुआ, ठीक है, एक कंटेनर में पूरा पानी है, एक कंटेनर में पूरा सादा पानी रखा हुआ है। पानी के अंदर मैंने NaCl डाल दिया, नमक, ठीक है, एक में पूरा प्योर वाटर रखा हुआ है। तो बताओ तो प्योर वाटर में इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा कि मतलब NaCl वाला में, बताओ तो NaCl वाला में, NaCl वाला में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो फ्लो होता है करंट, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, फ्री आयंस। तो फ्री आयंस कहाँ पे मिलेगा तुमको, ज़्यादातर आयंस Na प्लस और Cl माइनस वाला में। हाँ, वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कंपेयर में अगर बात करेंगे तो नमक वाला कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तुम लोग चेक कर सकता है, एक पानी रख देना, एक पानी में NaCl डाल देना, दोनों में हाथ डालना वहाँ पे, तो ज़्यादा झटका कहाँ पे लगेगा तुमको, NaCl में। तो जितना सारा ये सब है ना, इसमें आयन होने के कारण इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो चलो यहाँ तक लिखो, तो पहले आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो इसको। हाँ, पहले करंट डाल देना उसमें, फिर आगे चेक। नहीं लिखना, चलो इसको एक बार और पढ़ते हैं। सुनो, हम इसको मिटाएंगे नहीं तो ऊपर करेंगे थोड़ा, तब फिर लिख लेना। देखो इधर, देखो हमने पढ़ रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं चार्जेस होता कहां पे है। तो माइकल फैराडे ने बोला चार्ज होता है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी भरा हुआ होगा, ठीक है, वैसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखो, सब में पानी है कि नहीं है, वाटर वाटर सब में कॉमन है, एक्वस मतलब होता है वाटर। देखो हमेशा एक्वस मिलेगा, तो समझ लेना वाटर के अंदर में कोई भी रिएक्शन चल रहा है। तो एसिड वाटर, बेस वाटर, सॉल्ट वाटर में आयंस होता है, और कहीं पर भी आयंस होता है वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को एक और नाम दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट। इसका डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या हो सकता है। इसका मतलब ये होता है जो इजिली कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये मैंने बोला सॉल्ट को पानी में डाल दिया, सिमिलर और क्या बोल सकते हैं बताओ। तो यहाँ पे सॉल्ट को पानी में डाल दिया, यहाँ पे केस वन बोल सकते हैं इसको हम, और क्या लिख सकते हैं बताओ। तो मेरे पास वाटर होगा, वाटर में क्या डाल देंगे यहाँ पे हम, मान लो कोई एसिड डाल दिया मैंने। एसिड क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इस सब का डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी, ऐसे ही अभी देख रहे हैं यहाँ पे। एसिड में मैंने क्या डाल, मतलब वाटर में मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, एसिड। तो बताओ क्या मिलेगा हमको, एक कंटेनर में क्या होगा रखा हुआ यहाँ पे, पानी होगा, पानी के अंदर में क्या होगा बताओ तो, H प्लस का आयन और Cl माइनस का आयन, H प्लस का आयन और Cl माइनस का आयन। तो बताओ तो हमने वाटर में क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो क्या मिल रहा है, आयन्स मिल रहा है। तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, कर सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे हम, इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, इलेक्ट्रोलाइट। एक बार डेफिनेशन बिहार बोर्ड में आया था, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज द सबस्टांस या दैट इज द सॉल्यूशन व्हिच इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक बार पूछा हुआ था, इसको हम बताएंगे, डेफिनेशन लिखाएंगे अभी हम।
कोई बोलेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो गया यहाँ पे, दो सबस्टांस का मिक्सर हो, क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन बोलते हैं। क्या चार्ज किसको बोलते हैं, आयन आवेश, ठीक है। जैसे मान लो आवेश किसको बोलते हैं, आवेश आय, देखो चार्ज और आवेश ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चार्ज या आयन, चार्ज मतलब भी आवेश होता है, आयन मतलब भी आवेश होता है, दोनों का मतलब सेम ही है हिंदी में, आयन मतलब भी आवेश होता है, चार्ज मतलब भी आवेश होता है, लेकिन इंग्लिश में ना इसका दोनों का मीनिंग अलग अलग, कोई भी चीज का होता है ना दो मीनिंग, तो बस वैसा ही है, अंतर कुछ नहीं इसमें, आयन मतलब भी आवेश होता है, चार्ज मतलब भी आवेश होता है, या तुम आयन बोलते हो तो तुम चार्ज बोलो बस, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में जाओगे तो हिंदी में तो आवेश पढ़ते हो, क्या आवेश का मतलब दूसरा कुछ होता है, नहीं होता है। इंग्लिश में आएंगे तो या तो चार्ज बोल देंगे या तो आवेश बोल देंगे या तो आयन बोल देंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। देखो अब इस आयन से ना दो समझ, दो चीज निकल के आया है, केटायन और ये क्या आया यहाँ पे एनायन। इस आयन से दो चीज निकल के आया, केटायन और एनायन। केटायन मतलब होता धनावेश, इसका मतलब होता ऋणावेश, अरे इसका मतलब आवेश, आयन मतलब आवेश, आवेश मतलब क्या हो सकता है, या तो धनायन या तो ऋणायन, इसको इंग्लिश से बोलते केटायन, इसको बोलते एनायन, तभी सीधा आयन मान लिए ना, आयन में केटायन भी है एनायन भी है, चार्ज मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज भी है निगेटिव चार्ज भी है, तभी हमने कॉमन मान लिया आयन इसमें पड़ा हुआ, केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ कहाँ पे, पानी में जैसे ही डालते हैं, देखो पानी में जैसे ही मैंने HCl को डाल दिया तो पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, इसके चारों तरफ आता है यहाँ पे, देखो ऐसे कुछ होता होगा, मान लो ये HCl का मॉलिक्यूल बहुत सारा पड़ा हुआ है, हमको पता दोनों चिपका हुआ होगा HCl HCl, जैसे ही पानी में डालो ना तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको घेर लेता है वहां पे अंदर में, और क्या करता है बीच से इसको ब्रेक कर देता है। अब जैसे ये ब्रेक होगा तो क्या टूटता है यहाँ पे, H+ और Cl-। रुको एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, एक मान लो मेरे पास एक वायर है, क्या है ये वायर है। अब चलो बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, इसको थोड़ा बताते हैं, वैसे फिजिक्स का बात है ये, चलो समझ लेते हैं। मान लो ये मेरे पास क्या है, वायर है, ठीक है, हमको पता है वायर के अंदर में क्या होता है, मतलब कोई भी मतलब मेटल रखा हुआ रहता है, या तो कॉपर का है, तो सिल्वर का है, तो कुछ, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम का मेटल रहता है, चलो कॉपर का रखा हुआ है, तो इसमें मेटल इसलिए रखा होता है, सुनो, मेटल इसमें इसलिए रखा होता है क्योंकि हमको पता है कि जब कोई भी करंट को पास करवाएंगे तो चार्ज फ्री होना चाहिए अंदर में, चार्ज क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और हमको पता है जो मेटल होता है उसको उसको मतलब उसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, होता है कि नहीं होता है, कुछ एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, जैसे हमको पता है सोडियम जो होता है उसको थोड़ा एनर्जी मिलता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, कॉपर भी एक मेटल है हमारा, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, तो जैसे ही क्या करेंगे इसको हम क्या करते हैं, हम लोग करंट से जैसे ही कनेक्ट करवाते हैं इस वायर को, तो वायर को एनर्जी मिलता होगा, हमको पता है वायर में क्या होता है, छोटा छोटा एटम लगा हुआ होगा, अब मान लो इसमें एल्युमिनियम का रॉड लगा हुआ है, एल्युमिनियम का वायर लगा हुआ है, तो क्या होगा, एल्युमिनियम का आइटम लगा हुआ होगा, बताओ तो, एल्युमिनियम का आइटम लगा हुआ होगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलता है तो इसके बाहरी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है निगेटिव चार्ज, जैसे ही एनर्जी मिलेगा हमको पता है मेटल को थोड़ा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो बताओ तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसके ऊपर में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर पॉजिटिव चार्ज, उसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, बस बात खत्म, उसी वही तो है, करंट पास करवाने के लिए क्या फ्री होना चाहिए, आयंस, क्या फ्री होना चाहिए, आयंस फ्री होना चाहिए, तो आयंस देखो तो वायर में तो फ्री हो गया ना, उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास वाटर भरा हुआ है, वाटर के अंदर में एसिड डाल देंगे तो ये अच्छा खासा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा क्योंकि अब आयंस इसमें फ्री हो गया है, बस इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। चलो इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे,
चलो तीसरा लिखो यहाँ पे सी नंबर, वाटर में मैंने क्या डाल दिया, मान लो बेस को डाल दिया, बेस को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो NaOH, इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ तो। हाँ, इसमें क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस, पानी में जो OH माइनस देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। अब बताओ ये भी क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें आयन क्या हो गया, फ्री हो गया, ये आयन अगर फ्री है तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। चलो लिखो इसको, एक बार तुमने बोलेगा, मान लो कि पानी में, पानी में जब हम लोग वायर डालते हैं तो करंट लगता है कि नहीं लगता, लगता है ठीक है। आप बताओ तो पानी में करंट क्यों बहता है, बताओ तो फ्लो का होता है, कौन फ्री लगता है। देखो वाटर में क्या होता है, देखो सुनो, देखो ये तो मैंने डाल दिया NaOH HCl डाला तो पूरा आयंस आ गया वहां पे, लेकिन पानी के अंदर में भी ना थोड़ा कंसंट्रेशन होता है चार्ज का, पता है पानी के अंदर में भी क्या होता है, चार्ज का थोड़ा कंसंट्रेशन होता है, जैसे वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस का आयन, इसलिए वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वाटर के अंदर में भी देखेगा तुम तो स्मॉल अमाउंट में आयन्स होता है, H प्लस का आयन और OH माइनस का आयन, और उसमें अगर और चार्ज बढ़ा देंगे एसिड बेस और सॉल्ट डाल के तो उसमें और आयन आ गया, तो और आयन आ गया तो बताओ करंट कहाँ ज्यादा फ्लो होगा, पानी में कि उसमें सोल्यूशन में, सोल्यूशन में, इसलिए सबको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ठीक है। चलो नोट करो, हाँ पानी में भी बहुत है लेकिन पानी में क्या होता है आयन थोड़ा कम होता है इसलिए उतना। चलो तो पेज ऐड करते हैं अब, चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछते हैं, सुनो आय सांद्र, चार्ज आयन होता कहाँ पे है तो बोलना है एक्वा सॉल्यूशन में होता है, एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन में होता है। तो चलो तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलो तो
तो मोबाइल रखेंगे रखो, तुम देख मेरे को बाद में देखना, रखो देख में पहले, तुम खुद बात करती है उसको भी बात कराती है, रखो ना देख मोबाइल। किसका चाबी गिर गया? कत से ले चाबी चलो शांत रहो, आए चलो देखो इधर आओ सर बताओ। हाँ चलो देखो इधर आप शांत रहो, सुनो देखो इस दोनों का डेफिनेशन तो याद हो गया होगा, शांत रहो चलो देखो सुनो, तो इस दोनों का डेफिनेशन तो याद हो गया होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। आए शांत रहो, ऐसा सॉल्यूशन जो अच्छा से इजिली से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा लेगा अपने से होते हुए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा लेगा, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या हुआ? आ कुछ सॉल्यूशन ऐसा होता है, आए लड़का आए शांत रहो, कुछ सॉल्यूशन ऐसा होता है जो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता। जैसा मैंने एग्जांपल कुछ दिया, देखो तो यहाँ पे सुनो, एसिड बेस और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है शुगर सॉल्यूशन, आए लड़का आए, शुगर सॉल्यूशन जो होता है जिसको हम स्क्वाश यानी शरबत बोलते हैं, वो क्या करता है, इजिली से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता जितना इजिली से ये सब करा सकता है, तो इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। चलो दोनों का डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो तो देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दिस इज द सॉल्यूशन
विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट मतलब होता फ्लो करवाना, मतलब अपने से होते हुए जाने देना, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली, आसानी से क्या करेगा इजिली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा, नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आए लड़का आए, तुम खड़ा हो जाओ, तुम चलो खड़ा हो जाओ, तुम ही को बोल रहे हैं, और खड़ा हो जाओ, बताओ तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। बात करने के लिए आया, खड़े रहो तुम यहीं पर, खड़े से रहो। जैसे एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, खड़े रहो, ऐसे खड़ा रहना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द सॉल्यूशन विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली, उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा जितना आसानी से ये सब करवाता है। बहुत कम करंट फ्लो होता है जब शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, नमक वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसमें क्या करें तगड़ा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। इसमें क्या होता है, कम अमाउंट में, बहुत कम, रेयरली बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, क्योंकि इसको जब पानी में डालते हैं ना तो ये आयन से फ्री नहीं होता है, ये ना ही एसिड है, ना ही बेस है, ना ही सॉल्ट है, ये क्या होता है, ये वाटर में डालने पर आयन से फ्री नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। पर याद रखना है, शुगर सॉल्यूशन या यूरिया सॉल्यूशन इसका एग्जांपल होता है, एसिड बेस सॉल्ट सॉल्यूशन इसका एग्जांपल होता है। अब हम क्या बात करेंगे, सुनो तो इस चैप्टर के अंदर में, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इस सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे, एकदम डीपली चलेंगे हम, ठीक है। एसिड बेस और सॉल्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, तो चलो इसको पेज को ऐड करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, क्या क्या है, चलो बैठो, आए बैठो बैठो, ठीक है, रहने Yeah.
आए तुम लोग समझो यार मैं आया। चलो इसे एक बार रुक जाओ तो देख लो तुम। चलो शांत रहो सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट का डेफिनेशन। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो ऐसा सबस्टांस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा उसको क्या बोलते हैं, हम लोग एसिड बोलते हैं। ऐसा पदार्थ HCl क्या एक पदार्थ है। HCl को जैसे ही पानी में डालेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा सबस्टांस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर क्या देता है, एच प्लस आयन बाहर निकालता है, तो उस सबस्टांस को क्या बोलते हैं, हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एसिड जो होता है ना, इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चल रहा है। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यहीं से तुमको क्वेश्चन आएगा। देखो चलो बात करते हैं। तो एसिड जो होता है वो दो टाइप से मैंने डिवाइड किया, एक को बोला मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को बोला मैंने वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत एसिड,
मजबूत अम्ल और वीक मतलब होता है कमजोर अम्ल। अब दोनों का मतलब क्या सुनो तो, ऐसा एसिड या ऐसा सबस्टांस, देखो नीचे में हम एक्वस दिए रहेंगे हमेशा, तो दिमाग में डाल रहे एसिड को कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, पानी में। नीचे में देखो क्या दिया मैंने, एक्वस मतलब फॉर्मिक एसिड को कहाँ रखा मैंने, पानी में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कभी भी कोई सबस्टांस नीचे एक्वस लगा हुआ रहेगा, समझ लो वो चीज़ को कहाँ रखा मैंने, पानी में रखा। तो HCl एक्वस मतलब HCl को कहाँ रखा मैंने, पानी में रखा है। तो जैसे ही पानी में रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस। तो ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने पर पूरा का पूरा क्या होता है, आयन में टूट जाता है। जैसे मान लो मैंने 100 HCl का मॉलिक्यूल लिया, कितना पीस HCl लिया मैंने, 100। तो 100 को जैसे ही मैंने पानी में डाला ना, तो पूरा 100 का ना ऑलमोस्ट 100 क्या हो गया, ब्रेक हो गया आयन में, H प्लस में और Cl माइनस में। बताओ तो मैंने 100 HCl लिया है तो कितना H प्लस का आयन होगा इसमें, 100 ये होगा, 100 ये होगा, ठीक है। तो ऐसा एसिड जो क्या करता है, ऑलमोस्ट 100% ब्रेक कर जाता है आयन्स में, तो वह ऐसे एसिड क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जितना डाला उतना पूरा आयन में टूट जाता है, तो वैसे एसिड क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एक होता है वीक एसिड, वीक एसिड किसको बोलते हैं, जिसको पानी में डालने पर ना मैक्सिमम 5% ही आयन में ब्रेक होता है, मैक्सिमम 5% ही क्या होता है, आयन में ब्रेक होता है। जैसे मान लो मैंने एक एसिड लिया फॉर्मिक एसिड, इसको हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, जितना सारा मतलब एसिड में कार्बन लगा हुआ रहता है ना, कार्बन, तो उसको बोलते हैं हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, कार्बन लगा हुआ होना चाहिए, अगर जनरल तुमको याद करना हो, जिसमें कार्बन लगा हुआ है समझ लो कैसा एसिड होगा, वीक एसिड है। तो बताओ तो यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है ना, तो क्या मान लेंगे इसको हम यहाँ पे, वीक एसिड। तो वीक एसिड उसको बोलते हैं जिसको पानी में डालने पर ना मैक्सिमम 5% ही डिसोसिएट होता है, 5% बोलते हैं, इसका रीजन बताएंगे, रुको ना, मैक्सिमम कितना डिसोसिएट होता है, 5%। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, मैंने 100 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड लिया, 100 पीस, कितना लिया मैंने, 100। तो बताओ तो 100 अगर पानी में डालेंगे तो कितना एच प्लस आयन मिलेगा, मैक्सिमम 5 मिलेगा। 100 डाला तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 5 मिलेगा, मतलब इसका डिसोसिएशन 5% है। तो ऐसे ऐसे एसिड को बोलते हैं वीक एसिड, और जो 100% डिसोसिएट कर जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन देखो लिखा है यहाँ पे, विच गिव्स एच प्लस आयन इजिली, जो आराम से एच प्लस आयन दे देगा बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। विच डज नॉट गिव इजिली एच प्लस आयन, जो उतना आसानी से नहीं देना चाहता, मैक्सिमम 5% टूटता है ये, तो क्या बोलते हैं इसको हम, वीक एसिड बोलते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसमें याद करना पड़ेगा, सुनो तो क्या क्या यहाँ पे है। स्ट्रॉन्ग एसिड देखो तो इस समय कार्बन लगा हुआ, देखो तो कार्बन लगा हुआ नहीं है, तो जिसमें कार्बन लगा हुआ ना हो तो वैसे एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा नाम पढ़ देते, देखो तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पानी में डालेंगे तो ऑलमोस्ट 100% टूट जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें कार्बन लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑर्गेनिक, तुम लोग पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में कार्बन चेन के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें कार्बन लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड या वीक एसिड बोलते हैं। ये पूरा 100% डिसोसिएट नहीं करता, मैक्सिमम कितना करता है, 5%। जैसे हो गया मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन से मिथ, सिंगल बॉन्ड से ए ना, इधर लगेगा क्या, वही एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो नेमिंग हम आगे पढ़ेंगे, अभी नाम याद करना पड़ेगा यहाँ से। मिथेनोइक एसिड दो कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, तो क्या बोलेंगे इसको, इथेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड H2CO3, और एक है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, CYANID, ठीक है। ये सब हमारा क्या, वीक एसिड। अब सुनो तो याद हमको कौन करना है, स्ट्रॉन्ग वाला कि वीक वाला, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो हमको ये याद करना है कि ये याद करना, वैसे दोनों याद करेगा तो बेटर ही रहेगा हमारे लिए, लेकिन जो क्वेश्चन तुमको आएगा वो वीक एसिड से ही आता है। चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तब मैं दिखा देना वहां पे। अब हम वीक एसिड फोर्स क्या कर रहे हैं, यही हमको ज्यादा पढ़ना है, तो सुनो यहाँ पर रीजन बता रहे हैं। बताओ तो इसको अगर पानी में अगर डाल देंगे हम, फॉर्मिक एसिड को पानी में डाल देंगे, तो बताओ पानी के अंदर में क्या सब मिलेगा तुमको, पानी के अंदर में क्या सब मिलेगा, H प्लस मिलेगा, HCO माइनस मिलेगा, क्या ये मिलेगा, ये भी मिलेगा। अरे 5% डिसोसिएट कर रहा है ना, मतलब 5% टूटेगा ये, मतलब आयन में 95% तो ये भी होगा अंदर में प्रेजेंट।
अरे ये 5% टूटता है, पूरा 100% नहीं टूटेगा, तभी तो वीक बोला मैंने। तो बताओ तो अगर हम बात करेंगे पानी के अंदर में, तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अगर पानी में डाल देंगे इसको, तो क्या पानी के अंदर में ये मिलेगा तुमको? ये नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% टूट गया ये H प्लस में और Cl माइनस में। तो बताओ तो इक्विलिब्रियम का बात कहाँ पे करते हैं? रिएक्शन के पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए और रिएक्टेंट भी होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का बात कहाँ करेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड में कि वीक एसिड में? वीक एसिड में, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी आएगा, कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है। और यहाँ पर तो 100% डिसोसिएट हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया ये। तो अगर स्ट्रॉन्ग का बात करेंगे तो ये फॉरवर्ड एसिड हो गया, इसलिए यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं है, चैप्टर में ये मिलेगा ही नहीं तुमको। तो चैप्टर में क्या मिलेगा तुमको? केवल वीक एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो डिसोसिएट 100% नहीं करता। चलो अगले क्लास में हम इसे आगे बात करेंगे, कम से कम इसको याद कर लेना वीक टर्म को, ठीक है, आगे काम देगा ये। चलो रोने देते हैं।